सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो बहनों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप पोषण ट्रैकर ऐप में 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग करते टाइम गलत एंट्री कर दिया है, यानी कि गलत हाइट और वेट चढ़ा दिया है, जबकि उस बच्चे का जो हाइट और वेट नॉर्मल था बट आपने जब हाइट और वेट चढ़ाया तो गलत चढ़ गया है, तो उसको आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में कैसे सुधार कर सकते हैं, आइए इसी के बारे में आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताते हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी वाली लिस्ट को ओपन करेंगे, जिसमें कि आप देख सकते हैं जितने भी बेनिफिशियरी लिस्ट है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है कि हमें किस कैटेगरी के बच्चे को यहाँ पे हाइट और वेट को सुधार करने की ज़रूरत है, उस कैटेगरी को हम लोग ओपन करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों की कैटेगरी को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे 6 माह से लेकर 3 साल के जो बच्चों की लिस्ट है वो यहाँ पे आ जाएगी, और आपको यहाँ पे देख लेना है कि किस बच्चे का हमें हाइट और वेट को सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे लिस्ट खुल के आ जाएंगे और यहाँ पे कलर वाइज भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि कौन सा बच्चा जो है किस कैटेगरी से है, यानी कि जो आप लोगों को पता है कि ग्रीन कलर में होता है वो बच्चा नॉर्मल होता है, जो येलो कलर का साइन आप लोगों को देखने को मिलता है वो बच्चा अल्प वजन की कैटेगरी में आता है, और जो रेड कलर का साइन आपके बच्चे की कैटेगरी में दिखा रहा है तो उस बच्चे का जो कैटेगरी है वो सेम की कैटेगरी में चला जाता है। या ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे हमें इस बच्चे के कैटेगरी में सुधार करना है, यानी कि गलती से हमने इस बच्चे का जो हाइट और वेट है वो गलत चढ़ा दिया है, तो उसको हम लोग सुधार कैसे करेंगे, इसके लिए यहाँ पे हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ग्रोथ मॉनिटरिंग की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे कि इस बच्चे का जो प्रीवियस हाइट है वो कितने तारीख को एंटर किया गया है, यहाँ पे प्रीवियस रीडिंग आप लोग देख पाएंगे, यानी इसी मंथ इस बच्चे का जो हाइट और वेट है वो चढ़ाया गया है, जबकि हाइट और वेट चढ़ाते समय गलती से यहाँ पे वजन के अनुसार जो बच्चे का वेट है वो गलत चढ़ गया है। अब इसको सुधार करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो बच्चे का हाइट है उसको हमें इस प्रकार से डाल लेना है। और एक चीज़ आप लोगों को बताते चलूँ कि अगर आप पोषण ट्रैकर ऐप में किसी भी बच्चे का आप एक बार हाइट भर देते हैं तो आप उसको फिर दोबारा सुधार नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आप लोग बच्चे का जो वेट है उसको ही सुधार कर पाएंगे। अगर इसके बारे में जानना है कि बच्चे के हाइट के अनुसार जो बच्चों का वजन है वो कितना होना चाहिए जिससे कि बच्चा नॉर्मल की कैटेगरी में आप लोगों को आ जाए, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले एक लिस्ट दिखा देता हूँ। आप लोगों को करना क्या है कि आपको क्रोम ब्राउज़र या किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको लिखना है पोषण ट्रैकर कैलकुलेटर। जैसे यहाँ पोषण ट्रैकर कैलकुलेटर लिखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आप बच्चों का कैलकुलेशन कर सकते हैं, किस बच्चे का हाइट के अनुसार कितना वजन होना चाहिए वो सभी चीज़ आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलेगा गर्ल और बॉय, चूँकि लड़का और लड़की का जो वजन होता है हाइट के अनुसार वो अलग अलग होता है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि हमें किसका देखना है, तो यहाँ पे बॉय पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डाल देना है, उसके बाद जो बच्चे का हाइट आपने वहाँ पर दर्ज किया है वही हाइट आपको यहाँ पर दर्ज कर लेना है। तो यहाँ पर हमने उस बच्चे का हाइट दर्ज कर लिया है, तो इस हाइट के अनुसार जो बच्चे का वेट है वो कितना होना चाहिए, आप लोग यहाँ पे इसको इस प्रकार से ट्राई करके देख लेना है कि कितना होना चाहिए। अगर गलत आपने वहाँ पे एंट्री कर दिया है तो आप लोग इस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। ठीक है, हमने 10 किलो 600 या 500 वहाँ पे डाला है तो हम इसको बढ़ा के यहाँ पे चेक करेंगे, तो देख सकते हैं हमने 11.1 kg यहाँ पर डाला है, तो अभी ये बच्चा नॉर्मल स्टंटिंग तो नॉर्मल दिखा रहा है और अंडरवेट में यहाँ पर मॉडरेटली अंडरवेट दिखा रहा है, और वेस्टिंग में मैम की कैटेगरी में दिखा रहा है, तो हमें और यहाँ पे थोड़ा सा जो है कि वेट को बढ़ाना होगा। चलिए हम यहाँ पे 11 किलो 500 कर देते हैं, ठीक है, या 11 किलो 400 कर देते हैं, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे इस बच्चे का हाइट पूरा यहाँ पे वज़न के अनुसार ले लिया है कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके ही आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में दर्ज करना है अगर आपने गलती से उसका जो हाइट और वेट है वो चढ़ा दिया है तो। ठीक है, यहाँ पर हम वेट डालेंगे 11 किलो 400। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सबमिट कर देना है। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि आप एक दिन में एक ही बार
जो पोषण ट्रैकर ऐप में बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग है एक ही बार एक कैटेगरी में कर सकते हैं। यानी कि इस बच्चे की कैटेगरी में अगर आप एक बार हाइट और वेट सबमिट कर देंगे तो फिर आज के दिन आप लोग नहीं कर पाएंगे, फिर कल आप लोग ट्राई करेंगे तो आप उसका वेट जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे कन्फर्मेशन मैसेज पूछेगा कि क्या आपने जो हाइट और वेट डाला है वो सही है। सही है तो आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं फिर से हमें हाइट और वेट चेंज कर देना है तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे और यहाँ पे फिर से जाके हाइट और वेट भर के सबमिट कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो देख सकते हैं इस प्रकार से हुर्रे करके मैसेज आ गया और कंटिन्यू आपको कर देना है। जो कुछ देर वेट करना है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं जो बच्चे का हमने डाला था आर्यन कुमार, वो बच्चा यहाँ पे नॉर्मल हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पोषण ट्रैकर ऐप में अगर बच्चे का हाइट और वेट मिस्टेक से भर दिए हैं तो उसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे और भी कैटेगरी है जिस कैटेगरी में आपको लगता है कि हमने बच्चे का हाइट के अनुसार जो है उसका वेट नहीं डाला है, अगर वो नॉर्मल की कैटेगरी में नहीं है तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। होप आप लोगों को आज के इस छोटी सी वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने ग्रुप में आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।